अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शायस के पापा के लिए नाश्ता, चाय बन रही है। चाय, ऑमलेट, ब्रेड। नो। इसमें मैंने मसूर की दाल, पानी, हल्दी डाल दी हूँ। आपके पास ऐसी डंडी वाला टिफिन नहीं रहेगा ना, गिलास में भी डाल के रख सकते हैं। ऐसा चावल के बीचों बीच में ये रख देने का, आजू बाजू जो डालना है वो डाल के साथ ही में बॉईल कर सकते हैं। मैंने अंडे डाल दी हूँ दो, कुछ भी मगरिब में बना लेते हैं बच्चों को। आपके पास गिलास रहेगा तो गिलास रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कटोरा रहेगा तो कटोरा भी ऐसा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लंच कर रहे, दाल चावल अंडा अचार। लंच दादी के साथ खेल रहे। अभी मैं ये रात के लिए अफगानी ऑमलेट बना रही हूँ। आलू को काट के रख ली मैंने, कांदे को भी काट के रख ली हूँ। और इधर देखिए तेल डाल दी तवे पे, और आलू को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। अभी 5-10 मिनट में बन जाता है फटाफट, रोटी के साथ, चावल के भी साथ, ऐसे भी बिना कुछ लगाए भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने सोची दाल चावल के साथ ही अच्छा लगेगा। ये भी है, रोटी भी 2-4 बना ली थी थोड़ी बहुत। ये मैंने रोस्ट करके ले ली हूँ, देखिए इतना गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना है। फिर लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कांदा। पहले ही ऐड करने से काला हो जाता है कांदा, इसलिए आलू को पहले पका लेते हैं। फिर इसमें नमक ऐड कर दी मैंने, नमक डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। डेली एक ही तरीके का आमलेट खा खा के बोर हो गए होंगे, तो कुछ नया नया आमलेट भी ट्राई करते। तो ये मैंने कांदे को डाल दी हूँ, देखिए अभी थोड़ा इसको और पकने देते हैं, फिर जो जो मसाले लगते हैं सब डाल देंगे। ये तवे में इधर उधर गिरते रहता है आलू, सबको इकट्ठा कर दी मैंने इधर से उधर तक। फिर कोथमीर डाल दी हूँ, देखिए स्लो आंच पे रखी हूँ गैस को। इसमें थोड़ा अभी एक एक करके, दो ही अंडे का बना रही हूँ मैं। देखिए इधर एक उधर एक अंडा डाल दी, एकदम बारीक आंच में रखना है इसको। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर मैंने छिड़क दी, काली मिरी पाउडर भी थोड़ा सा छिड़क दिया। अभी थोड़ा कोथमीर भी डाल दी हूँ, देखिए इस तरह से। और इसको थोड़ा, अभी कच्चापन ज़्यादा है तो पलटी मार दी मैंने इसको। नहीं पलटी मारते नहीं है, लेकिन हम लोग कच्चा नहीं खा पाते, इस हिसाब से पलटी मार ली मैंने। कुछ लोग कच्चा ही खाते हैं। शहजान क्यों रो रहा है? 6 मिनट में बनके तैयार हो गया है अफगानी ऑमलेट, देखिए रोटी के साथ खाने के लिए तैयार है। देखने भी स्टाइलिश लग रहा है। कैसा है? अफगानी ऑमलेट, कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है, ऑमलेट ही नहीं लग रहा है ना? बताओ मजेदार है। अम्मी अम्मी जादू है, जादू हाथों में जादू। शहजान और शहस को मैं दे रही हूँ दूध भात, यानी चावल, शक्कर और खजूर। दूध और चावल को वो पका ली मैंने, पका हुआ चावल ही दूध में मिला दी, और इसी में बिना छिलके के खजूर को मैंने डाल के मैश कर ली। शहजान आजा 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 मेरे सोनो, आ आ। शहजान का खाके हो गया है, अभी शहस का है। आया आया सोनू सोनू, इलो 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 आ इले शयू, शयू बोलते ही आ जाता है। इले शयू, तू शयू है, तू छेजान है ना, तू छेजान है। ले कहा कर ले, रिमोट लेके दबा रहे, नहीं खराब हो जाएगा। शायद रिमोट हटा दो। नहीं
ये ले शायू को दे दूं मैं। तो आज ज्यादा मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बिजी थी। शहजान इतना सता रहा है ना, हर चीज में रो रहा है, क्या मालूम क्यों रो रहा है, जबरदस्ती का रोते रहता है। शायू को मालूम हो जाता है जब भी मैं सेल्फ कैमरा ले लेती हूँ। मम्मी अभी ब्लॉग खत्म करने वाले हैं, अभी मैं बोल दूँ मेरा डायलॉग, है ना। तो चलिए फिर आज का ये ब्लॉग अभी खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर नए नए वीडियो नहीं मिल पाएंगे आपको। बहुत कुछ आगे आने वाले कल में और अच्छी अच्छी रेसिपीज में बताऊंगी। पहले शहजान अच्छा बड़ा हो जाएगा ना, तो अच्छी अच्छी रेसिपीज में आपके साथ शेयर करूंगी, रूटीन शेयर करूंगी। शहजान की वजह से ना थोड़ा बहुत होता है, अभी बच्चा बड़ा होने तक थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ेगा। हाँ, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। बाय।